है गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद द न्यू अनदर यूट्यूब वीडियो। सो गाइज, आज का जो हमारा वीडियो सेशन है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए रहेगा। बिफोर दिस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टिल फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज के वीडियो सेशन में ओनली हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस की रिगार्डिंग बात करेंगे। एग्जैक्टली क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, किस तरीके से समझ सकते हैं। सो गाइज, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर की बात हो रही है एक ऐसे एक्शन के बारे में जो कि कुछ हद तक कंप्लीट हो चुका है और कुछ हद तक अभी बाकी है। ठीक है, फ्यूचर में एक ऐसे कार्य की कल्पना की जा रही है जो कि आधा कार्य कंप्लीट हो चुका है और आधा कार्य बाकी है, तो वही क्या कहलाएगा गाइस, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। ए पार्ट ऑफ एक्शन विल हैव डन इन फ्यूचर टाइम एज वेल एज इट विल बी कंटिन्यू इन फ्यूचर, दैट विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। किस तरीके से, मेरा भाई 2 घंटे से मूवी देख रहा होगा, सो गाइस 2 घंटे की मूवी कंप्लीट हो चुकी है। हम एक ऐसे कार्य के बारे में कल्पना कर रहे हैं जो कि खत्म भी हो चुका है और कंटिन्यू भी है। ठीक है, 2 घंटे की मूवी ऑलरेडी देख चुका है और अभी देख रहा है, सो कुछ मूवी का पार्ट उसने देख लिया और कुछ मूवी का पार्ट अभी बाकी है। तो ऐसे कार्य के बारे में जो कल्पना हो रही है क्या हो गया गाइज, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ऑलराइट, सो गाइज हम इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं इस टेंस की। हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, शैल हैव बीन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, एंड अदर सभी सब्जेक्ट्स के साथ में विल का प्रयोग किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन हो गया। मेन वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ऑलराइट, सो गाइस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। टेंस के स्ट्रक्चर का क्या होता है, सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म को इंक्लूड किया जाता है और ऑब्जेक्ट आता है। देन उसके बाद में फॉर और फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है और टाइम का यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो गाइज इस टेंस में सबसे एक इंपॉर्टेंट बात होती है सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि बाकी के टेंस में परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सिंस का प्रयोग किया जा रहा था, बट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एक वो है जिसमें कि सिंस का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ऑलराइट, सो गाइज यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जेड विल हैव बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 hours। सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑलराइट, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, मेन वर्ब की बात करते हैं, मेन वर्ब वॉच के साथ में आईएनजी फॉर्म को इंक्लूड किया गया है, वॉचिंग ऑब्जेक्ट मूवी। ऑलराइट, देन फॉर और फ्रॉम में से एक को चूज किया जाएगा, फ्रॉम को चूज किया गया एंड टाइम का यूज किया जा रहा है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में गाइज क्या होगा, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जाता है, देन मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग किया जा रहा है। नॉट का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो जाती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, एंड नॉट को इंक्लूड किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में। सो गाइस यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का जो पार्ट होता है और उसके बाद में नॉट को जो प्रयोग किया जाता है, विल हैव के बाद में नॉट को प्रयोग किया जाएगा, और शैल हैव होता है तो शैल हैव के बाद में नॉट को प्रयोग किया जाएगा, देन उसके बाद में बीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे जेड विल हैव नॉट बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 hour, ज्यादा 2 घंटे से मूवी देख नहीं रहा है। ठीक है, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। सो गाइस इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला हो जाता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, देन उसके बाद में सब्जेक्ट, देन उसके बाद में मेन वर्ब, बाकी का एडजेक्टिव रहता है। तो विल हैव जैद बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 hours। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन किस तरीके से यूज किया जाएगा सब्जेक्ट के साथ में। सबसे पहले विल हैव का प्रयोग किया जाता है, देन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, और जो बाकी का बीन रहता है उसको सब्जेक्ट के बाद में यूज किया जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, विल जेड हैव बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 hour। ऑलराइट गाइस, फिर आता है उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट को जो इंक्लूड किया जाएगा वो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद किया जाता है, और जब भी जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं सभी सेंटेंस में नॉट को हमेशा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट तुरंत बाद ही यूज किया जाता है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, देन उसके बाद में नॉट, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट फ्रॉम फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं, विल Not Zed have been watching movie from 2 hours, या फिर इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं will Zed have not been watching movie, I'm really so sorry guys, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। यूज इस तरीके से किया जाएगा, will not
हैव जैद बीन वॉचिंग मूवी फ्रॉम 2 hours, या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं, विल जैद नॉट हैव बीन वॉचिंग मूवी. इट मीन्स जहाँ पे हमने यहाँ पे नॉट को यूज किया है, जैद के बाद में भी कर सकते हैं. ऑलराइट गाइज, यदि वीडियो पसंद आए तो कर दीजिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच गाइज वीडियो को वॉच करने के लिए.